basically when we want to transfer the risk risk management ke liye hum risk ko transfer kar sakte hai, and there are three ways through which the risk can be transferred the first one is called the hedging then we have got insuring as an option and the third option is diversifying so together these tools are used to transfer the risk from one person or one entity to another so when we are talking about hedging it means that

अवॉइड करते हैं लॉस को बल्कि आप जो पोटेंशियल गेन आपको मिल रही है आपको वो भी छोड़ना पड़ता है तो दिस इज़ समथिंग विच इज़ विच विच डिफ्रेंसीट्स हैजिंग फ्राम ऑल द अदर टू टेक्निक्स ऑफ दैट आर यूज टू ट्रांसफ़र रिस्क कि आप इसमें अपना जो पोटेंशियल गेन है उसको भी आप फॉरगो करते हैं अपने uh, नुकसान से बचने के लिए आप अपने फ़ायदे को भी और गो या छोड़ देते हैं सो so, ये एक हैजिंग में हमें कॉस्ट बियर करनी पड़ती है इफ़ वी से फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स तो वेन वी आर हैजिंग वी यूज वी यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स वी यूज़ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स सो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली वो कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें आप एग्रीमेंट तो अभी करें लेकिन जो आपकी एग्जीक्यूशन है वो फ्यूचर में होगी दे वी आर कॉलिंग इट एज अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में जो प्राइस है जिसके ऊपर ट्रांजैक्शन टेक प्लेस होगी फ्यूचर में वो प्री एग्रीड है वो प्री अरेंज्ड होता है उसको आपने अभी तय करना होता है तो आपके क्या कीमत के ऊपर आप क्या चीज़ ख़रीदने जा रहे हैं या बेचने जा रहे हैं वो अग्रीमेंट अभी होगा लेकिन द द कॉन्ट्रैक्ट विल बी एग्जीक्यूटेड इन फ्यूचर देर वी आर कॉलिंग दिस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट एज 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 अ फॉर्वर्ड कॉन्ट्रैक्ट सो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में जो पेमेंट है या एक्सचेंज ऑफ गुड्स है या जो भी आपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की एक्सचेंज रखी हुई है वो फ्यूचर में होगी मगर जो अग्रीमेंट है वो अभी प्रेजेंट में होने जा रहा है सो देर आर सर्टन मेन फीचर्स ऑफ फॉर्वर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स द फर्स्ट वन इज दैट देर हैज़ टू बी कमस एटलीस्ट टू पार्टीज हुमेंट टू एक्सचेंज सम आइटम इट कुड भी एनी गुड इट कैन बी उन्नी फाइनेंशियल इंस्ट्रोमेंट कोई भी इन्वेस्टमेंट की जो आपने टूल इस्तेमाल की है कोई वो भी इस्तेमाल हो सकती है इसमें कोई गुड्स भी ले सकते हैं आप जिसमें आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जिस जिस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं सो so, चीज़ों का तयन अभी होगा स्पेसिफाइड प्री स्पेसिफाइड प्राइस आपने अभी डिफ़ाइन करनी है जो प्री uh, जो आपका अरेंजमेंट हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड प्राइस एंड द स्पॉट प्राइस सो इफ यू आर गोइंग टू पे सम प्राइस हो इमीजिएटली तो हम उस कीमत को स्पॉट प्राइस कहते हैं वेराज जब हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो हमने चूंकि फ्यूचर में जो प्री ग्रीड डिफाइंड डेट है उसके ऊपर हमने पेमेंट करनी है इसलिए हम उस पर्टिकुलर डेट को बोलते हैं फ, उस पर्टिकुलर प्राइस को बोलते हैं फॉरवर्ड प्राइस सो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में यू हैव टू स्पेसिफाई स्पेसिफाई द फॉरवर्ड प्राइस एज वेल एन अदर इंपॉर्टेंट थिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज दैट वेन वी आर साइनिंग अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट यू डोंट हैव टू पे नन ऑफ द टू पार्टीज हैज टू पे एनी थिंग एट द एट द करंट पॉइंट इन टाइम इस वक्त जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करें उस वक्त आपको दोनों पार्टीज़ में से किसी को कुछ लेन देन की ज़रूरत नहीं है इट्स जस्ट अ कॉन्ट्रैक्ट देर फॉर वी आर कॉलिंग दिस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट एज अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एन अदर इंपॉर्टेंट थिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट द फेस वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली जो फेस वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है दैट वुड बी द क्वान्टिटी ऑफ दैट आइटम मल्टीप्लाइड बाई द प्राइस विच यू आर गोइंग टू डिफाइन कि ये फॉरवर्ड प्राइस हमारा क्या होने वाला है

इंस्ट्रूमेंट और फाइनेंशियल एसेट या कोई भी एसेट है तो इसका मतलब है कि आप अगर बेचने जा रहे हैं अपने एसेट को तो यू आर टेकिंग द शॉर्ट पोजिशन वर एज लॉन्ग पोजिशन का मतलब होता है कि वो इंडिविजुअल या पार्टी uh, जो समझ रही है कि फ्यूचर में इस पर्टिकुलर चीज़ की कीमत बढ़ जाने वाली है अभी कीमत कम है तो मुझे इसको अभी फ़ौर ख़रीद लेना चाहिए दैट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज़ टेकिंग हम कह रहे हैं दैट टाइप ऑफ एन इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर इज टेकिंग अ लॉन्ग पोजिशन तो जो बायर होता है वो लॉन्ग पोजिशन ले रहा होता है जो सेलर है वो शॉर्ट पोजिशन ले रहा होता है तो वैन वी आर डीलिंग विद डेरेवेटिवन वी आर डीलिंग विद फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दीज टू कॉन्सेप्ट देट आर यूज टू एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स जिसमें हम फ्यूचर्स के साथ डील कर रहे हैं और फॉर्वर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे हैं when uh, we say forward contracts there is a special type of contracts that are known as the future contract contracts to so, future contract or forward contract mein chhota sa technical fark hai wo kya hai ke hum koi bhi aisa contract jisme कीमत का तयन अभी हो रहा है जो product आप या चीज़ें exchange कर रहे हैं future में उनका तयन अभी आप कर रहे हैं मगर exchange future में happen होने वाली है ऐसी कॉन्ट्रैक्ट को हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स बोलते हैं इट कैन बी एनी एक्सचेंज ऑफ गुड्स जो कि कोई भी बॉडीज़ कर सकते हैं कोई भी इंडिविजुअल्स कर सकते हैं कोई भी कंपनीज कर सकते हैं लेकिन व्हेन इट कम्स टू फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट इट मींस दैट देयर इज़ अ स्पेसिफिक मार्केट जो कि स्टॉक मार्केट के अंदर ये ही एक्सचेंज हो सकते हैं ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जिसमें गैन एग्रीड डिफाइंड प्राइस है प्री या डिफाइंड प्रोडक्ट्स हैं इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको आप एक्सचेंज फॉर स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ही सेल और परचेस कर सकते हैं ओनली देन द कॉन्ट्रैक्ट्स विल बी टर्म्ड एज द फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट तो ये एक फ़र्क है बेसिकली क्योंकि जब आप स्टॉक uh, मार्केट को इस्तेमाल करेंगे ख़रीद और फरोख्त करने के लिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स को फ्यूचर में होने वाली कॉन्ट्रैक्ट्स uh, को तो वो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स कहलाती हैं और इसका फ़ायदा क्या है कि चूँकि इसमें स्टॉक मार्केट इन्वाल्व है तो देर आर सर्टन रूल्स दैट दैट आर यूज टू रेगुलेट ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस दैट टेक प्लेस इन अ स्टॉक मार्केट इसलिए वहाँ स्टैंडर्डाइजेशन की एलिमेंट आ जाती है कि आप तमाम जो इन्वेस्टर है सेलर है बायर है लॉन्ग पोजिशन लेने वाले हैं शॉर्ट पोजिशन लेने वाले हैं बहुत पार्टीज़ जो हैं वो एक सर्टन रूल्स और रेगुलेशनस के तहत ही फ्यूचर कॉन्ट कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करेंगे उसमें वो पार्टिसिपेट करेंगे मार्केट में तो देर फॉर दिस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सेपरेट्स दिंग स्टैंडर्डाइज बींग ओनली सोल्ड इन द स्टॉक एक्सचेंज देर फॉर दिस पर्टिकुलर फिनोमिन और दिस पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंसीट्स इट फ्रॉम द फॉर्ड कॉन्ट्रैक्ट सो देर आर दिस टू डिफरेंट थिंग्स दैट आर यूज बाय द इन्वेस्टर्स टू हैज देअर इन्वेस्टमेंट्स टू प्रोटेक्ट दैम सेल्व अगेंस्ट रिस्क एंड दिस इज दिस इज हाउ दे डू इट बाई ट्रांसफरिंग रिस्क वो जो वो लोग जो कि रिस्क लेना चाह रहे हैं और वो लोग जो कि रिस्क अवॉइड करना चाह रहे हैं वो अ, अ, अपने जो इन्वेस्टमेंट के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं या कमाडिटीज हैं उनको फ्यूचर्स के थ्रू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू और फॉर्वर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू ट्रांसफ़र करके अपने रिस्क को मैनेज करते हैं